गिर गया पड़ गया बच्चे बच्ची कोई भी शराबी आदमी, तो इसका जिम्मेदार वार्ड मेंबर और प्रशासन चेयरमैन ये होंगे, विधायक भी होगा साथ के अंदर में, आज कह रहा हूँ, नहीं तो घेराव करेंगे हम चेयरमैन का, नगर परिषद का, वार्ड मेंबर का, विधायक का, कोई भी हो, चाहे सुरेश ठाक हो, चाहे वो सीताराम साहू हो और चाहे वो सविता गुप्ता हो, ऐसा करेंगे हम कि ना ये याद रखेंगे नगर परिषद इलाके रख देंगे, बच्चे बच्चे शक्ले देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते, गेट नहीं यहाँ पे, गेट देखो यहाँ पे तालाब के अंदर वो गिर गया, रोड देखो जर्जर स्थिति हो रही है, कोई भी एक हाथ लगाया गिर गया, तो जिम्मेदार नगर परिषद चेयरमैन पार्षद और विधायक साथ के अंदर होगा और आयुक्त भी होगा, विकास कुमार भी आयुक्त, वो भी है ना जिम्मेदार है इसका, नगर पालिका को बेच के खा रहे हैं लोग। मेरा नाम हनुमान वैष्णव, ब्रह्मपुरी मोहल्ला, वार्ड 41, दीपक मेहरा, वार्ड नंबर 41 से बोल रहा हूँ। यहाँ ये आपको ये गेट दिख रहा होगा इधर पास में, यहाँ पे कभी भी कोई बच्चे हादसा हो सकता है, खुला है, नगर परिषद को हमने कई बार बोला भी है यहाँ गेट लगाने के लिए, पर वो को ध्यान देते हैं नहीं, धार्मिक क्षेत्र है, माता जी के जाने का एकमात्र यही रास्ता है, फिर भी यहाँ कोई बच्चे आते हैं, मानवीय शक्ति हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो आप थोड़ा ये ध्यान में रखें और आप आगे तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएं कि कम से कम यहाँ पे एक गेट लग जाए, कोई मानवीय शक्ति हो नहीं, कोई बच्चे यहाँ पानी में गिर ना जाए, और एक अभी नशे की हालत में बहुत जने आते भी हैं, हम बहुत बार यहाँ ध्यान रखते हैं, पर अभी मौका मिला आपने देखा होगा अभी भी हादसा हुआ ही है, तो अभी यहाँ कोई मानवीय शक्ति हो नहीं, इसलिए यहाँ पे जल्द से जल्द गेट लगाएं और ये पेड़ काटें आप, हाँ ये पेड़ है और गंदगी भी है, आप पेड़ का भी ध्यान रखें, पेड़ ये कभी भी ये बाल गिर सकती है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है बाल। मैं योगेश आकला, मैं शिवघाट के रहने वाला हूँ, मैं वार्ड 41 से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे शिवघाट पर यहाँ पर धार्मिक स्थल है और यहाँ पर एक जगह है जो बिल्कुल मतलब खुली है, उसके अंदर नीचे जाने का रास्ता है, पर वहाँ पे बच्चे बच्चे खेलते हैं, माताएं बहनें आती है, यहाँ पे धार्मिक पेड़ भी है जहाँ पर पूजा होती है, तो वहाँ पे बच्चे बच्चे भी आते हैं, तो इस अवस्था में ये गेट नहीं होने के कारण यहाँ पे कुछ भी अवस्था में मतलब हत्या या कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था करवाएं और गेट लगवाएं। अभी प्रत्यक्ष में आपके सामने अभी 2 दिन पहले ही एक मृत्यु हुई है, मतलब दो बाइक सवार लड़के एक जर्जर अवस्था में एक फिसल कर नीचे गिर गए थे, तो उनका भी ध्यान रखते हुए मतलब ये अवस्था को सुधारें, और यहाँ पे जो पाल है, ये जो हमारी ये शिवघाट की पाल है, ये भी जर्जर अवस्था में अभी व्यवस्थित नहीं है पूरी ढंग से, और यहाँ पे मतलब कचरा भी बहुत रहता है, मतलब गंदगी सारी बाहर रहती है, ऑटो आता है फिर भी ऑटो का कचरा उसमें नहीं है, पार्षद का कोई मतलब ध्यान नहीं है 41 वार्ड नंबर 41 में, यहाँ पर आज तक 5 साल में पता नहीं है कि बच्चों को भी कोई बड़ों को भी नहीं पता है कि पार्षद है कौन, एक बार जीत के चला गया मतलब उसके बाद में कोई पता नहीं है हमारा, तो आप कृपया करके यहाँ से कोई मतलब वार्ड नंबर 41 में इस व्यवस्था को सुधारें, और आपका धन्यवाद। वार्ड नंबर 41 से यहाँ की आप देख सकते हो एक रास्ता है मंदिर का, धार्मिक स्थान है, बैठने का है का, यहाँ पे मंदिर में जो भी होता है मेले वगैरह भी होते हैं, तो बच्चे का जाने का लिए डर भी लगता है, गिर सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है।